इसके बाद में हम देखते हैं मास्किंग में कि बीसी मास्किंग हम कब करते हैं, बीसी मास्किंग की हमको कब जरूरत पड़ती है और कब हम एसी मास्किंग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बीसी मास्किंग की, बीसी मास्किंग हम कब करते हैं। तो बीसी मास्किंग से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जब हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं तो सबसे पहले हम जो पर्सन की केस हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद में उसकी केस हिस्ट्री से हमें एक आइडिया लग जाता है कि बेटर जो पर्सन है उसका बेटर ईयर कौन सा है, पुअर ईयर कौन सा है, ठीक है। तो जो बेटर ईयर रहता है उसका हम नॉर्मली एसी निकालते हैं, पहले एयर कंडक्शन निकालते हैं, फिर जो अदर ईयर जो रहेगा उसका एयर कंडक्शन निकालेंगे, फिर उसके बाद में हम निकालते हैं उसका बोन कंडक्शन। तो जो बोन कंडक्शन जो निकालते हैं हम, वो हम जनरली जो रहता है जो बोन कंडक्शन रहता है वो कॉमन ईयर का रहता है। कॉमन ईयर का क्यों रहता है, क्योंकि हमको ये पता है कि जो बीसी रहता है उसका आईए जो रहता है वो जीरो रहता है। मतलब कि हम अगर उसको बेटर ईयर में प्लेसमेंट करेंगे चाहे पुअर ईयर में प्लेसमेंट करेंगे, जो हमको थ्रेशोल्ड मिलेगा वो हमेशा बेटर ईयर का ही मिलेगा, क्योंकि उसका आईए जीरो रहता है। तो जो अच्छा कोकलिया होगा रिस्पॉन्ड वही पहले करेगा। तो इसलिए हम डायरेक्टली ये देख लेते हैं अगर जिस ईयर का एयर कंडक्शन अच्छा है, मतलब कि जिस जो ईयर बेटर ईयर है उसमें हम क्या करते हैं बोन बीसी करते हैं, ठीक है। तो हमने उसका नॉर्मल बीसी किया और हमको ये पता है कि बीसी जो रहता है वो हमेशा एसी से ऊपर आएगा, मतलब कि एसी से कम रहेगा। मान लो कि बीसी 15 है, सॉरी मान लो कि एसी 15 है, तो बीसी जो रहेगा या तो वो 15 होगा या 15 से कम होगा, मतलब कि या तो वो 10 होगा या 5 होगा या 0 होगा या -5 होगा या -10 होगा, कुछ भी हो सकता है। बस हमेशा ये ध्यान रखना है कि बीसी का जो थ्रेशोल्ड रहता है वो हमेशा एसी के थ्रेशोल्ड से कम आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बीसी का जो बीसी हम बोन वाइब्रेटर से जो करते हैं हम सीधा प्लेस करते हैं उसको मेस्कॉइड में, और मेस्कॉइड के अंदर होता है कोकलिया, तो उसे क्या रहता है डायरेक्ट जो स्टिमुलस जाएगा वो कोकलिया के अंदर जाएगा। और वही जो एयर कंडक्शन जब हम एयर एसी कंडक्शन करते हैं तो हम उसको रखते हैं पिंडा के ऊपर या फिर ईएसी के अंदर, इंसर्ट अगर यूज़ किया तो हम रखते हैं उसको ईएसी के अंदर, तो उसको वहाँ से यहाँ तक जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पुअर मतलब थोड़ी सी एनर्जी का लॉस होगा, इसलिए वो हमेशा बीसी से कम आएगा, कौन एसी, ठीक है। तो हमने जब उसका बेटर ईयर का जब हमने बीसी निकाल लिया, ठीक है भैया, हमने एसी निकाल लिया, ठीक है। फिर हम देखेंगे जो पुअर ईयर रहेगा उसमें हमको मास्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो मास्किंग की ज़रूरत कब पड़ेगी तो उसकी बात करते हैं। पहले मास्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, हम अगर बीसी की मास्किंग की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कब बोलेंगे कि इसको बीसी मास्किंग की ज़रूरत पड़ रही है या नहीं पड़े, हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसको हम देखते हैं बीसी मास्किंग की ज़रूरत कब पड़ती है, जब एसी थ्रेशोल्ड ऑफ टेस्ट पेयर जो हमने टेस्ट पेयर है जिसके हमने एसी थ्रेशोल्ड निकालने हैं वो, और जो अनमास्क बीसी थ्रेशोल्ड मतलब कि जो कॉमन बीसी है या फिर जो बेटर ईयर का बीसी जो जिसमें हमने बेटर ईयर में प्लेसमेंट करके जो हमने बीसी निकाला है वो बीसी, उन दोनों का अगर डिफरेंस 10 डिग्री से अगर ज़्यादा का है तो हमको जो टेस्ट पेयर है उसमें बीसी मास्किंग की ज़रूरत पड़ेगी। अभी कैसे समझेंगे, अब मान लो फॉर एग्जांपल ये हमारा ऑडियोग्राम है, ठीक है, इधर ऑडियोग्राम बना हुआ, उसकी 1K फ्रिक्वेंसी पे हमने निकाला। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो डिफरेंस देख रहे हो ना एसी थ्रेशोल्ड ऑफ टेस्ट पेयर और अनमास्क बीसी थ्रेशोल्ड, तो हमेशा ये ध्यान रखना अगर तुम इसका एसी देख रहे हो जो टेस्ट पेयर है उसका 1K का अगर एसी देख रहे हो तो जो कॉमन बीसी है ना उसको भी तुम सिर्फ 1K का ही देखो कि 1K पे उसकी कितनी वैल्यू है, कितना थ्रेशोल्ड है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि 1K का तुम एसी देख रहे हो और इधर 2K का तुम बीसी देख रहे हो, ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हमको मास्किंग क्यों जरूरत पड़ेगी, हम क्रॉस ईयरिंग देख रहे हैं। अब क्रॉस ईयरिंग जो रहेगा एसी और बीसी कंपेयर करके हम निकाल पाएंगे कि इसका आईए कितना है, क्रॉस ईयरिंग कितने पे हो पाएगा, ठीक है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे हमको देख रहे हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पे क्रॉस ईयरिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे देखते हैं। तो इसीलिए अगर हम एसी इसकी बात करें एसी थ्रेशोल्ड ऑफ टेस्ट पेयर की अगर 1K की बात कर रहे हैं और वही, तो हमको बीसी थ्रेशोल्ड जो रहेगा वो नॉन टेस्ट पेयर 1K का देखना पड़ेगा। और जो मास्किंग करेंगे हम वो भी 1K पे ही करेंगे, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं 1K का, तो फिर 1K पे ही मास्किंग करेंगे ना। मास्किंग करते क्यों है कि 1K का एक्चुअल थ्रेशोल्ड हमको मिल जाए, ठीक है। तब हम ये समझते हैं कि कब हमको मास्किंग की ज़रूरत पड़ेगी बीसी की। तो मान लो हमने 1K का थ्रेशोल्ड निकाला, ठीक है, तो जो 1K का थ्रेशोल्ड निकला है ये मान लो उसका एसी थ्रेशोल्ड जो आया वो मान लो 30 आया, ठीक है, और जो उसका बेटर ईयर है या जो कॉमन ईयर है उसका जो बीसी है वो मान लो वो हमारा है 10 या 15, मान लो 15, ठीक है। तो इस 30 का ये जो राइट ईयर का मान लो ये राइट ईयर है और ये लेफ्ट ईयर है, ठीक है। तो इस 1K का थ्रेशोल्ड जो एसी थ्रेशोल्ड है वो 30 है और जो लेफ्ट ईयर है उसका जो बीसी थ्रेशोल्ड है वो इसका
उल्टा होता है, ठीक है, एरो साइन उल्टा होगा, ठीक है। इसका बीसी थ्रेशोल्ड जो है वो 15 है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 15 है, 10 से ज़्यादा है, यानी कि राइट ईयर के बन के पे हमको बीसी मास्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ऐसा ही हम अदर फ्रिक्वेंसी में भी देख सकते हैं, 500 में, 250 में, 2K में, 4K में, कहाँ कहाँ हमको बीसी मास्किंग की ज़रूरत पड़ेगी वो देखना कैसा है कि मान लो इसका 2K, इसका 2K है, तो इसका 2K जो टेस्ट एयर है उसका 2K देख लो, उसका AC कितना है, ठीक है। AC थ्रेशोल्ड ऑफ टेस्ट एयर, अभी टेस्ट एयर है, इसका AC थ्रेशोल्ड हमने देखा 40 है, 20 है, 30 है, जो भी है ये देखा। उसके बाद में मान लो 2K का देखा AC, तो यहाँ 2K का जो कॉमन BC था, मतलब जो बैटरी ईयर का हमने BC था या जो कॉमन BC था, उसका दोनों का गैप देख लो कितने का। अगर गैप 10 BB से ज़्यादा का है, 15 का है, 20 का है, 30 का है, 40 का, जितने का भी है, बस 10 BP से ज़्यादा का होना चाहिए, 10 BP से ज़्यादा का है, तो उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे हमको मास्किंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी मास्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको, मतलब क्या करना, मास्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो देखो ये जब हमने देखा कि BC का IA 0 रहता, कुछ बुक जो रहती BC का IA 0 रखती, कुछ बुक जो रहती वो BC का IA 10 रखती है, तो देखो ये जो गैप हुआ 15 का जो गैप हुआ यहाँ से यहाँ तक का, ये जो गैप 15 का हुआ, यानी कि ये इसके IA से ज़्यादा का हो गया। IA कितना है, या तो 10, कुछ बुकें 10 मानती, कुछ बुकें 0 मानती, तो ये जो IA ये जो हुआ थ्रेशोल्ड, ये कितना हो गया अपना 15 हो गया, 15 मतलब कि 10 से ज़्यादा हो गया, तो इसमें क्या होगा, क्रॉस हियरिंग होगा। मतलब कि हम अगर इसका नॉर्मल अनमास्क BC निकालेंगे तो इसका अनमास्क BC जो रहेगा वो ऊपर आएगा, 30 से ऊपर आएगा, क्यों, क्योंकि वो एक्चुअल में रहेगा किसका, ये जो बेटर ईयर रहेगा ना उसका BC रहेगा, क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि जो IA रहता, IA मतलब कि एक कान से दूसरे कान में जितना एनर्जी का लॉस होता है तो वो पहले ही 0 है, यानी कि हम अगर इस मेस्टॉइड को स्टिमुलेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये वाले मेस्टॉइड पे वाइब्रेशन जाएगा ही जाएगा, पर डिपेंड ये करता है कि उसमें जो कोकलिया है उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। अगर उसकी सेंसिटिविटी अच्छी है, जैसे ये जो टेस्ट ईयर है उससे जो नॉन टेस्ट ईयर उसकी सेंसिटिविटी अच्छी है, तो जो BC का रिस्पांस होगा वो बेटर ईयर का होगा। तो हम इसी चीज़ को रोकने के लिए, मतलब किस चीज़ को, क्रॉस ईयरिंग को रोकने के लिए हमको इस फ्रिक्वेंसी पर, मतलब 1K की फ्रिक्वेंसी में मास्किंग की ज़रूरत पड़ी, समझ गए कि IA क्यों ज़रूरी है, क्रॉस ईयरिंग क्या होता है, हमको मास्किंग की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये तीनों चीज़ें ऐसे देखेंगे अपन। फिर वही हम बात करते हैं AC मास्किंग की, हमको AC मास्किंग की कब ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको AC मास्किंग कब ज़रूरत पड़ेगी, तो AC मास्किंग ऑफ टेस्ट ईयर, AC थ्रेशोल्ड ऑफ टेस्ट ईयर, वैसे ही मान लो हम अब हम 2K का एग्जांपल लेते हैं, हम 1K का दिए, हम 2K का एग्जांपल ले रहे हैं, 2K का हमने ये जो AC थ्रेशोल्ड है टेस्ट ईयर का, वो मान लो हमारा 60 है, ठीक है, या मान लो 50 है, अपन 60 रख लेते हैं, ठीक है। वैसे ही जो अदर ईयर है नॉन टेस्ट ईयर, ये अपना हो गया टेस्ट ईयर, वैसे ही जो अदर ईयर है नॉन टेस्ट ईयर, ठीक है, उसका BC मान लो 10 है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा, AC थ्रेशोल्ड ऑफ टेस्ट ईयर, यानी कि AC थ्रेशोल्ड, ये हमारा टेस्ट ईयर है, इसका AC थ्रेशोल्ड हमने निकाला तो कितना है, 60 है, और BC थ्रेशोल्ड ऑफ नॉन टेस्ट ईयर, ये हमारा BC थ्रेशोल्ड है किसका, नॉन टेस्ट ईयर का, या कॉमन BC है बेटर ईयर वाला, ठीक है, नॉन टेस्ट ईयर का। ये इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 40 या 40 से ज़्यादा हो, कब, जब हम सुपरा ओरल हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, क्यों, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सुपरा ओरल हेडफोन का IA कितना होता है, 40, तो हम यह बात कर रहे हैं 40 से, ये 40 के बराबर, ये 40 से ज़्यादा होती है, यहाँ कितने का गैप है, 50 का गैप है, यानी कि हमको इस वाले जो थ्रेशोल्ड निकल रहे, ये जो 60 का थ्रेशोल्ड निकल रहा वो एक्चुअल इस ईयर का है, वेटर ईयर का है, समझ रहे हो, ये मतलब सॉरी बेटर ईयर का मतलब कि नॉन टेस्ट ईयर का है, टेस्ट ईयर का नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि अगर हम इसका IA देखें, IA इसका 40 है, ठीक है, तो जो 10 BP का गैप आ रहा है ये किधर परसीव हो रहा है, जो बेटर कोकलिया है उसमें परसीव हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका होने लगा क्या, क्रॉस हियरिंग। अब इसी क्रॉस हियरिंग को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो नॉन टेस्ट ईयर है इसको हमको मास्क करना पड़ेगा, मतलब कि क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको नॉइज देना पड़ेगा ताकि ये बिजी हो जाए, ये जो इधर आ रहा ना भाई अपना स्टिमुलस जो इधर आ रहा है 60 पे हमने जब किया, तो जो क्रॉस ईयरिंग इधर हो रही नॉन टेस्ट ईयर में, इस क्रॉस ईयरिंग को रोकने के लिए हम इस ईयर को क्या करेंगे, जो नॉन टेस्ट ईयर इसमें क्या करेंगे, हम नॉइज दे देंगे। नॉइज देने को हमने क्या बोल दिया था, मास्किंग,
कि नॉइस की प्रेजेंस में टेस्टियर का एक्चुअल थ्रेशोल्ड निकालने के लिए हम नॉन टेस्टियर में क्या करते हैं, नॉइस देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मास्किंग। समझ गए कि मास्किंग क्या है, क्रॉस ईयरिंग क्या है, मास्किंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्रॉस ईयरिंग को रोकने के लिए मास्किंग की जरूरत पड़ी। अब क्रॉस ईयरिंग कब होगा, हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, हम जो ट्रांसड्यूसर यूज़ करें, उनका आईए देख लो, अगर उसका आईए 50 है या उसके आईए 40 है या उसका आईए कुछ बुके 70 ले लेते हैं, इंसर्ट का आईए उसका आईए 70 है, या बीसी की ट्रांसड्यूसर की बात करें तो बीसी का 0 या 10, कुछ बुके 0 मानती कुछ बुके 10 मानती, तो वो देख लेना कि जब केस करो तो तुमको समझ में आ जाए क्या लेना चाहिए, ठीक है। इसे ही हमने देखा कि कब हमको बीसी मास्किंग की जरूरत पड़ेगी, कब हमको एसी मास्किंग की जरूरत पड़ेगी, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब जरूरत तो पड़ गई, हमको समझ में आ गया, ठीक है सर, कि हमको 1 के पे कब एसी मास्किंग करना, कब 2 के पे एसी मास्किंग करना, कब 4 के पे एसी मास्किंग करना है, कब 500 पे एसी मास्किंग करना, कब 250 पे एसी मास्किंग करना, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे कैसे सर, हमने मान लो कि हमने इसमें नॉइज दे दिया, तो हमको हमको ये कैसे पता कि हम इसको नॉइज़ कितना दें, ठीक है, ताकि इस ईयर का एक्चुअल थ्रेशोल्ड निकल पाए, टेस्ट ईयर का एक्चुअल थ्रेशोल्ड निकल पाए, उसके लिए हमको नॉन टेस्ट ईयर में कितना मास्क, कितना नॉइस या मास्कर बोलते हैं, कितना नॉइस रखना चाहिए, इसके बारे में आगे हम देखते हैं।